किसी भी साड़ी की स्टाइलिंग के लिए या फिर किसी भी तरह की साड़ी ड्रेपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सही साड़ी सिल्वेट पेटीकोट या फिर अंडरस्कर्ट कैरी करो। हाय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अभी तक मैंने इस टाइप का वीडियो नहीं किया है मेरे चैनल पर। तो आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है एक पेटीकोट रिव्यू, और इसमें मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक पेटीकोट का रिव्यू। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी रिसेंटली मैंने ये पेटीकोट परचेज किया है, इसका नाम है डीकोट एंड दैट इज फ्रॉम द ब्रांड आई एम बाय डॉली जैन। जी हाँ, डॉली जैन एक ड्रेप आर्टिस्ट है। अगर आपको ड्रेपिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उनके बारे में जानते ही होंगे। एंड उन्होंने स्पेशली लेडीज को ध्यान में रखते हुए, लेडीज की ये साड़ी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको ध्यान में रखते हुए ये पेटीकोट डिजाइन किया है, जिसमें आपको दो टाइप मिल जाते हैं। तो मैंने जो परचेज किया है वो टाइप है सिंपल, एंड आज मैं आपको इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ इस वीडियो में। डिटेल्स बताऊंगी एंड रिव्यू करूंगी कि ये पेटीकोट है कैसा एंड क्या ये वर्थ है या नहीं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि डीकोट यानी कि ये साड़ी सिल्वेट पेटीकोट है कैसा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये बाकी नॉर्मल पेटीकोट से किस तरीके से बेटर है। सो ये जो पेटीकोट है वो मुझे कुछ इस तरीके के पैकेट में रिसीव हुआ था, और मैंने इसे ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज किया है। आई डोंट नो ये और कहीं पे अवेलेबल है या नहीं, तो मैंने इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से ही मैंने इसे परचेज किया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ योर डीकोट इज हियर। सो इस टाइप का ये पैकेट था जिसमें मुझे अच्छे से आप देख सकते हैं ये पैक होकर के रिसीव हुआ है। एंड मैंने जो कलर परचेज किया है वो है ऑफ वाइट। तो इसमें आपको 8 से 10 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से मैंने ये वाला कलर परचेज किया। तो ये है ऑफ वाइट कलर का पेटीकोट, ये बेसिकली सिंपल स्टाइल में है। तो इस तरीके का है ये पेटीकोट, इसकी फुल लेंथ है ये। और डीकोट का जो बेस्ट पार्ट है वो है कि इसमें आपको कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, कपड़ा फ्लेक्सिबल है यानी कि इसमें लाइक्रा यूज हुआ है तो ये स्ट्रेचेबल भी आप देख सकते हैं ना। ऑल्सो इसका जो लुक है वो बिल्कुल एक नॉर्मल पेटीकोट के जैसा दिखता है। मैं आपको इसका फुल जो लुक होगा वो भी शेयर करूंगी। तो इसका जो लुक है ये आपको बिल्कुल नॉर्मल पेटीकोट के जैसा दिखेगा, बट ये आपको वेस्ट पे से पूरा फिट आता है, यानी कि यहाँ तक की जो लेंथ आप देख रहे हो वेस्ट की, ये वेस्ट से आपको फिटेड आता है एंड नीचे ये फ्लेरी आता है। ऑल्सो नीचे आपको एक छोटी सी स्लिट भी मिलती है इस तरीके की, बॉटम पे आपको इस तरीके की स्लिट भी मिलती है जिससे कि आपको काफ़ी कंफर्ट मिल जाता है चलने में, वॉक करने में, आप अच्छे से साड़ी को पहन करके चल सकते हो। ऑल्सो क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसे अपने हिसाब से ऑल्टर भी करा सकते हो, यानी कि लेंथ इसकी शॉर्ट भी करा सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से। ऑल्सो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वेस्ट पे इस टाइप का ये बैंड दिया हुआ है, और बैंड में भी आपको अंदर इलास्टिक मिलती है, तो ये बैंड भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ये आपके वेस्ट पे पूरा फिट होकर के आ जाता है। ऑल्सो अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी मिलेंगी, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ड्रॉ स्ट्रिंग्स की। तो अगर आपको ये थोड़ा लूज होता है तो आप यहाँ से इसे टाई करके एडजस्ट कर सकते हैं आपकी वेस्ट पे। नाउ जो मैंने साइज लिया वो है साइज M, एंड मेरी वेस्ट के हिसाब से मेरी वेस्ट 30 है तो उस हिसाब से मुझे साइज M आ जाता है। सो यहाँ पर मैंने एक साइड में कैरी किया हुआ है डीकोट और एक साइड में कैरी किया हुआ है नॉर्मल पेटीकोट। ये नॉर्मल पेटीकोट भी बेस्ट क्वालिटी का है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है। यहाँ पर मैं आपको दोनों रख करके भी समझा रही हूँ और पहन करके भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये मेरा नॉर्मल पेटीकोट है और आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा जगह है एंड कोई शेप नहीं है। एंड अदर साइड डीकोट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसमें काफी अच्छा शेप दिख रहा है, एक प्रॉपर शेप वेयर जैसा होता है साड़ी शेप वेयर वैसा दिख रहा है इसका लुक। इसका प्राइस है 1850 रुपीज, 1850 रुपए इसका प्राइस है। प्राइस मुझे काफी ज्यादा लगा क्योंकि ऑब्वियसली यार अब हम लोग पेटीकोट कैरी करते हैं, इतनी सारी साड़ीज होती हैं तो हमारे लिए हम हर साड़ीज के लिए इतना एक्सपेंसिव पेटीकोट नहीं कैरी कर सकते हो। तो यही सोच के मैंने ऑफ वाइट पेटीकोट परचेज किया, क्योंकि मेरे पास व्हाइट साड़ीज काफी सारी हैं, ऑफ वाइट एंड व्हाइट साड़ीज मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला कलर लेना प्रेफर किया कि एटलीस्ट मैं इसे तो यूटिलाइज कर ही लूंगी। बट मुझे थोड़ा सा इस वजह से इसका रेट थोड़ा ज्यादा लगता है, रेट अगर थोड़ा सा और रिड्यूस होता तो शायद मैं 2 से 3 कलर और परचेज करती इसके। एंड एक और इशू मुझे ये लगा कि इसमें जो कलर ऑप्शन है सिंपल में एंड एडजस्टेबल वाला जो सीरीज है पेटीकोट का, वो आपको जाता है 2000 से ऊपर जाता है, यानी 2500 तक में आपको वो
पेटीकोट मिलता है ना, इसमें आपको 8 से 10 कलर मिल जाते हैं, बट वो बिल्कुल बेसिक कलर हैं, उसमें आपको वेरिएशन नहीं मिलता। लाइक अगर मुझे व्हाइट साड़ी के लिए व्हाइट पेटीकोट चाहिए था, लाइक मेरी जो नेट की साड़ी है या फिर जो शिफॉन साड़ीज हैं व्हाइट कलर में जिसमें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, अगर मैं वहां पर ये ऑफ व्हाइट पेटीकोट कैरी करूंगी तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा मेन साड़ी से मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उन साड़ीज के साथ में व्हाइट पेटीकोट ही चाहिए था ऑफ व्हाइट की जगह पर, बट अभी ये मैंने लिया है तो मैं इसे यूज करूंगी। सो फैब्रिक एंड डिज़ाइन इसकी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी, बहुत कंफर्टेबल लगा इसका जो फैब्रिक है, एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने अनटाइडी सा कुछ अंदर कैरी किया हुआ है, बिल्कुल स्लिक आता है, जस्ट लाइक अ साड़ी शेप पे अगर आप कैरी करते हैं ब्रांड्स के, उसी तरीके से आपको ये वाला पेटीकोट भी आता है। सो इस तरीके से ये नॉर्मल पेटीकोट से डिफरेंट है, एंड इन फ्यूचर मैं आपके साथ में वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि और किस किस तरीके से आप इस पेटीकोट का यूज कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, एंड आई एम श्योर कि आज का ये जो वीडियो था ये आपको हेल्प जरूर करेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आपने भी डिकोड ट्राई किया है, आपने पहना है ना, आपने परचेज किया है, तो मुझे आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।